नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम संवाद। संवाद में इस बार हम बात करेंगे गति शक्ति राष्ट्रीय परियोजना की, जिसका शुभारंभ हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। क्या मायने हैं इसके, देश के विकास को कैसे ये गति देगा, जो देरी से योजना शुरू होती हैं उनको कैसे गति मिलेगी, आत्मनिर्भर भारत कैसे बनेगा और लोगों को रोजगार कैसे मिलेगा, सड़क और राजमार्ग की दृष्टि से क्या बदलाव होगा, इसको हम इस कार्यक्रम में जानेंगे, पूरी परियोजना के बारे में समझेंगे। केंद्रीय सड़क एवं राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी जी हमारे साथ इस समय मौजूद हैं। गडकरी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है संसद टीवी पर। मैं आपसे जानना चाहता हूं, जो राष्ट्रीय गति शक्ति परियोजना है, इसके पीछे क्या सोच है, क्या उद्देश्य है? देखिए, पहली बात तो ऐसी है कि हमारे देश को आत्मनिर्भर भारत अगर बनाना होगा तो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब है वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। और अभी हम गैस की पाइपलाइन भी डाल रहे हैं, हम इलेक्ट्रिक की भी डालनी पड़ेगी, हमको गाड़ियाँ चलेगी उसके ऊपर। स्वाभाविक रूप से कहीं रेलवे है तो कहीं रोड है, कहीं एविएशन है, कहीं वाटरवेज है। प्रॉब्लम यह है कि इन सब बातों को कंस्ट्रक्ट करते समय या ऑपरेट करते समय ये साइलो में है। यानी वाटरवेज क्या कर रहा है ये रोड वालों को मालूम नहीं, रोड क्या कर रहा है ये रेलवे वालों को मालूम नहीं, रेलवे क्या कर रही है ये एविएशन वालों को मालूम नहीं। फिर रोड हम अच्छा बनाते हैं तो गैस वाले खोदने के लिए आके रोड खराब कर देते हैं। तो अगर ऑप्टिक फाइबर केबल डालना है तो हम अगर वही हमारे रोड में डाल देंगे तो कॉस्ट कम हो जाती है। तो अब इसके बारे में प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट सेक्रेटरी की अध्यक्षता में ऐसी एक कमेटी बनाई है जी, कि हमारे प्रोजेक्ट कौन क्या कर रहा है इसकी जानकारी एक जगह आएगी और फिर उसमें कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन एंड कम्युनिकेशन, तीन बातों का ये करके ये तय होगा कि अगर मैं दिल्ली मुंबई हाईवे बना रहा हूँ, अगर ये दिल्ली मुंबई हाईवे में उस समय पेट्रोलियम मंत्री मिनिस्ट्री मुझे कहती कि तुम्हें गैस की पाइपलाइन डाल दो तो मैं बोलता तुम पाइप दे दो, मैं फुकट में डलवा देता हूँ, कोई खर्चा नहीं आता। उस समय आईटी मंत्री मिनिस्ट्री बोलती कि मुझे तुम ऑप्टिक फाइबर डाल दो जी, तो मैं डाल देता, वो फाइबर दे दो मैं डलवा देता, कोई ज़्यादा खर्चा नहीं आता। अब वो नए से डालेंगे तो फिर उनको लैंड एक्वायर करना, राइट ऑफ वे, फिर खोदना, उसका पैसा, कॉस्ट बढ़ती है। तो अब मैं टनल बना रहा हूँ, अब मैं झोजिला में टनल बना रहा हूँ, 13.5 किलोमीटर है, जो आशिया की सबसे बड़ी टनल है। अब वहाँ अगर रेलवे चाहती तो मैं समझो एक 3 लेन की टनल बना रहा हूँ तो मैं वही 4 लेन की बना लूँ तो कॉस्ट ज़्यादा नहीं आएगी और उसमें ही एक बाजू में ट्रेन भी चली जाएगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं, पैसा बच जाएगा। अब रेलवे जब जाएगी तो एक जगह रेलवे टनल बनाती है, फिर हम एक टनल में तो दुगना पैसा होता है, हजारों करोड़ इसमें जाते हैं। अभी जैसे ब्रह्मपुत्र और गंगा पर बड़े बड़े ब्रिज बन रहे हैं जी, मुझे आलम मनोज सिन्हा जब रेलवे मंत्री थे मेरे पास आए, हमने एक ब्रिज बनाया, नीचे में रोड, ऊपर नहीं, नीचे में पहले रेलवे है, रेलवे के ऊपर ब्रिज है, रेलवे रोड कम ओवर ब्रिज बन गया। अभी मैंने नागपुर में पहले बार 3 ब्रिज ऐसे बनाए, नीचे में रोड है, उसके ऊपर में फ्लाईओवर है, उसके ऊपर में मेट्रो है। तो खर्चा 1.5% में, सवा परसेंट खर्चा, जो 1 रुपया लगता था 1.25 रुपये में रेलवे का भी बन, मेट्रो का भी बन गया और रोड का भी बन गया। तो ये साइलो में ना सोचते हुए हम सब लोग इंफ्रास्ट्रक्चर को कोऑर्डिनेट करें, एक जगह उसका प्लानिंग करके योजना करें, ये इसका मुख्य उद्देश्य है जी। और इससे देश की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट काफ़ी कम होगी। हाँ, लॉजिस्टिक लागत का एक बड़ा सवाल रहा है, कम हो जाएगी। अब देखो, मैंने लैंड एक्वायर्ड किए दिल्ली मुंबई हाईवे के लिए जी, वो 120 मीटर वीड थे उसकी, और मेरा 12 लेन का रोड है ने 12 लेन है ने 3.5 किलोमीटर की लेन होती है, तो 3.5 बाय 12 ज़्यादा से ज़्यादा 40, सब पकड़ के 50-60 मीटर हो गया। अब 60 मीटर रोड होने के बाद 60 मीटर जगह मेरे पास है। अब ये लोन को मैं जब बड़ा करूँगा तो उसको 50 साल लगेंगे, तो रोड के बाजू में एक रेलवे इधर से और एक रेलवे, तो दिल्ली मुंबई बुलेट ट्रेन चल जाएगी पूरी, इसमें लैंड एक्विजिशन की जरूरत ही नहीं, झंझट ही नहीं कोई जी। तो ये अब वहाँ पानी है, उदाहरण के लिए अभी जैसे मैं आपको एक मेरी कल्पना बताता हूँ, अभी दिल्ली में मैंने मुख्यमंत्री जी से भी बात की, बाकी मंत्रियों से बात की, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन से बात कर, सबकी मीटिंग बुला रहा हूँ, मैं एक प्रोजेक्ट तैयार कर रहा हूँ कि दिल्ली के पूरे होलसेल मार्केट, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट, कपड़े का मार्केट, लेडीज़ गारमेंट, ऐसे 50-60 मार्केट, फिर दिल्ली में जितने कंटेनर डेपो जो दिल्ली के अंदर घुसे हुए हैं रेलवे के, वो कंटेनर डेपो,
और दिल्ली में जितने गोडाउन है, स्टील, सीमेंट, फूड ग्रेन, वो फूल फूल सब्जी के भाव सब, ये जो पेरिफेरल रोड है इसके आजू बाजू में 8 जगह पर रेलवे जाती है, तो वहाँ रेलवे रोड दोनों एक जगह है, वहाँ कंटेनर का डेपो, लॉजिस्टिक पार्क, होलसेल मार्केट के, ऐसा वो रोड को करूँगा। अब मैंने क्या सोचा है कि ये रिंग रोड मेरे पास है, जगह बहुत है, तो इस रिंग रोड को मैं एक रिंग रेलवे बना दूंगा, लाने के ऊपर एक पिलर खड़ा करके पूरी रिंग रेलवे बन जाएगी। उसी के अंदर मैंने 6,000 करोड़ दिल्ली स्टेट को दिए थे यमुना के, यानी दिल्ली के पानी को शुद्ध करने के लिए, ताकि यमुना गंदी ना हो। वो प्रोजेक्ट पूरे हुए, अब वो जो पानी शुद्ध करेंगे फिर फेंक देंगे यमुना में, तो मैं बोलूँगा वो पानी ये पाइप में डाल दूँ, और ये जितना डेवलपमेंट हो रहा है इसको मैं पूरा पानी उपलब्ध हो जाएगा। फिर जहाँ गोडाउन बनेंगे उसके ऊपर सोलर लगा देंगे, तो पावर का रेट दिल्ली में 11 रुपये 12 रुपये, वहाँ 5 रुपये आ जाएगा, 4.5-5 रुपये में, तो सेविंग भी होगा, लोग भी जाएंगे, पोल्यूशन भी कम होगा, ट्रैफिक जाम भी कम होगा। अब आप सोचो कि दिल्ली का पूरा कंजेशन अगर बाहर चला गया तो दिल्ली में प्रॉब्लम ही नहीं रहेगा, सस्टेनेबल जीवन मिलेगा सबको, पोल्यूशन कम हो जाएगा। अब डीजल, अब मैं आपको बताता हूँ कि दिल्ली में परली जला के पोल्यूशन हो रहा है जी, तो अब हम लोग इसी रोड पर इलेक्ट्रिक का सब ट्रांसपोर्ट कर देंगे तो नेचुरली पैसा, पोल्यूशन नहीं होगा। तो एक प्रकार से पानी जो वेस्ट है वो उपयोग में आ रहा, सोलर पावर वो आके सस्ती व्यापारियों को, इंडस्ट्री को पावर सस्ती मिलेगी। दूसरी बात, जो माल बाहर से आता है 40 टन में, दिल्ली में आकर कोने में गली में जाके कोई गोडाउन है वहाँ बाहर रहेगा, और जितना लगेगा उतना दिल्ली में आएगा। तो दिल्ली के आजू बाजू में मैं 60,000 करोड़ के रोड बना रहा हूँ। तो मैंने अब कंसल्टेंट को कहा कि एक ही पेरिफेरल रोड नहीं, जैसे मैं अलग अलग प्रकार के रोड बना रहा हूँ, दिल्ली से मुंबई का रोड बना रहा हूँ उसमें क्या हो सकता है, दिल्ली से मैं अभी बड़ा दिल्ली से डेहराडून नया रोड बना रहा हूँ जो दिल्ली से हरिद्वार को जाएगा 2 घंटे में जी, तो दिल्ली से 2 घंटे में हरिद्वार, 2 घंटे में डेहराडून, 2 घंटे में जयपुर और 2 घंटे में चंडीगढ़ जी। तो ये रोड के आजू बाजू में मैं लॉजिस्टिक पार्क करके दिल्ली के प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा। तो ये इंटीग्रेटेड अप्रोच में सब डेवलपमेंट को सोचना, और एक समय खर्चा करते हुए सब लोगों ने साथ काम किया तो खर्चे को बचाना, यही स्पिरिट गतिशक्ति का है जी। कई मंत्रालयों को इसमें जोड़ा गया है, करीब 16 मंत्रालयों को इसमें जोड़ा गया है, लेकिन एक सवाल ये उठता है यहाँ पर कि हमारे यहाँ योजना बहुत बनती हैं, एक सरकार बनाती है फिर तीसरी सरकार में जाके उसका क्रियान्वयन होता है। कई योजनाओं का उल्लेख प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं कि उन्होंने जो योजनाएं 80 के दशक में बनी थी, 90 के दशक में बनी थी, लेकिन क्रियान्वित नहीं हो पाई। देरी की वजह क्या आपने समझी, देरी क्यों होती योजनाओं का? देखिए, देरी की वजह होती है, अभी फॉरेस्ट एनवायरनमेंट क्लियरेंस मिलता तो राज्य में अटकता, राज्य में आता तो यहाँ अटकता है, फिर रेलवे वालों के क्लियरेंस नहीं मिलते, फिर रेलवे के मिले तो पावर लाइन बीच में जाती वो 6-6 महीने उसके क्लियरेंस नहीं मिलते, फिर पावर लाइन को जाना है तो हमारे NHA वाले उनको नहीं देते, फिर रेलवे रोड से जाएगी तो हम उनको नहीं देते। तो इसके कारण क्या हुआ है कि इसमें सब फंसने के कारण प्रोजेक्ट डिले होते हैं, कॉस्ट बढ़ती है, और वो लोग फिर सरकार के ऊपर कॉम्पेंसेशन मांगते हैं तो सरकार का खर्चा जाता है, ये एक बात ही है। अब दूसरी बात मैं आपको बताऊँ, अभी दिल्ली का रिंग रोड बन रहा है, यही रोड बनाते समय में अगर पानी की पाइपलाइन उसके अंदर में डाल देता पूरी, तो पाइप पे ही खर्चा आता, पाइपलाइन डालने का खर्चा नहीं आता, लैंड एक्वायर करने की जरूरत नहीं थी। अब यही लाइन डालते समय अगर ऑप्टिक फाइबर काल देता तो पूरा वही हो जाता, जरूरत नहीं होती, वही खर्चे में हो जाता। अब ऑप्टिक फाइबर को IT कंपनी को डालना है, IT डिपार्टमेंट को, तो नई लाइन, नई राइट ऑफ वे, फिर एक्वायर, तो इसमें देरी भी होती है और कॉस्ट भी बढ़ती है, यही गतिशक्ति का कंसेप्ट है। रोजगार की बात की जाती है, क्या गतिशक्ति जो मास्टर योजना है इससे रोजगार को कितना बढ़ावा मिलेगा? देखो, पावर जनरेशन, पावर डिस्ट्रीब्यूशन, IT कनेक्टिविटी, वाटर कनेक्टिविटी, सीवेज कनेक्टिविटी, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट, पावर, गैस पाइपलाइंस, पेट्रोल पंप्स। अभी उदाहरण के लिए बताता हूँ कि पेट्रोल पंप में पेट्रोल जाता है ट्रक से, अगर हमने ये पेट्रोल और गैस अगर पाइपलाइन से गया तो सस्ता हो जाएगा। अभी हमारे यहाँ हम लोग गैस पाइपलाइन से गैस देने वाले सिलेंडर के बजाय, तो एक सिलेंडर में 200-250 रुपये हमारे कम होंगे, सस्ता गैस मिलेगा तो जनता का फायदा होगा। अगर पेट्रोल की ट्रांसपोर्ट कॉस्ट कम होगी, डीजल की होगी, तो ग्राहक को सस्ता मिलेगा, उनका फायदा हुआ। तो ये जो सामूहिक रूप से मिलकर काम करने से कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन कम हो रही है,
कन्वीनियंस हो रहा है, एक समय सब क्लियरेंसेस मिल रहे हैं, रेड टैपिज्म से मुक्ति मिल रही है और इससे कॉस्ट कम होने के कारण निश्चित रूप से फायदा होगा। दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की गति बढ़ेगी। अभी जैसे मैं समझो हर साल 5 से 7 लाख करोड़ के रोड बनाता हूँ, तो 1 लाख करोड़ के जब रोड बनते हैं तो कम से कम 1 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट पर 10 लाख लोगों को डायरेक्ट इनडायरेक्ट रोजगार मिलता है। तो 5 लाख के तो 50 लाख लोगों को मिलेगा, इंजीनियर्स को मिलेगा, फिर मजदूरों को मिलेगा। अभी JCB कंपनी के MD मेरे पास आए थे, वो एक्सपोर्ट करने लगे, वो CNG पे 50% उन्होंने JCB बनाया तो उसको रशिया में भेजने लगे, तो उतना यहाँ के वेंडर्स को काम मिलेगा, जो हमारी एंसिलरी इंडस्ट्री उनको काम मिलेगा। काम क्या होता है ऐसा, तो वो एक प्रकार से मल्टीप्लाई होता है, परचेसिंग पावर से ट्रेड और बिजनेस बढ़ता और उसी के कारण GDP ग्रोथ होता है और यही ग्रोथ से देश का विकास होता है और इसी से हमारा आत्मनिर्भर भारत का सपना पूरा होगा। तो क्या होता है कि इकोनॉमी ये मल्टीप्लाई होती है जी, और लोगों के हाथ में जब पैसा जाता है तो परचेसिंग पावर बढ़ती है और उसी से विकास की गति डबल होती है जी, रोजगार के अवसर भी उससे बढ़ते हैं। लेकिन एक सवाल, एक छोटी सी बात और कह दूं आपको जी, कि नौकरी और रोजगार इसमें फर्क है जी। प्रॉब्लम क्या होता है कि लोग क्या बोलते हैं कि भाई हमको नौकरी दो, अब सबको नौकरी नहीं मिल सकते, तो रोजगार इज ए डिफरेंट थिंग एंड नौकरी डिफरेंट, नौकरियों की कमी है। और इसलिए मैं युवकों को अक्सर कहता हूँ, नौकरी मांगने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बनो, एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ाना चाहिए। और मेरे क्षेत्र में भी मैं कॉन्स्टिट्यूशन में लगातार इन्वेस्टमेंट लाता हूँ, नई कंपनियाँ लाता हूँ। अभी मैंने मेरे हमारे मिहान करके जगह है, वहाँ 56,000 लोगों को, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है, मैंने 56,000 लोगों को रोजगार मिला है वहाँ। अब मैं 2-3 साल में 1 लाख रोजगार वहाँ पूरे करूँगा। तो मेरे कॉन्स्टिट्यूशन में 1 लाख में भाई TCS है, SCL है, वो राफेल कंपनी आई है, फिर रामदेव बाबा की बड़ी कंपनी आई है, फिर टाल करके कंपनी जो एयरबस और बोइंग के पार्ट्स बनाती है, ये जो फॉल्कन जेट है ये नागपुर में बनने लगा है। तो मैं कंपनियों को लाता हूँ, इन्वेस्टर को लाता हूँ कि मेरे कहा चलो मैं मदद करता हूँ, तो मुझे बोलते तुम्हारा इंटरेस्ट क्या है। मतलब एक कंपनी मेरे यहाँ के कम से कम 1,000 बेरोजगारों को रोजगार देती है और उनकी जीवन को बदल देती है, इसके लिए मैं यहाँ कोशिश करता हूँ। तो ये हमारी माइंड सेटअप में कि हम अगर कैपिटल इन्वेस्टमेंट लाएंगे, उद्योग व्यवसाय व्यापार को बढ़ाएंगे तो निश्चित रूप से सरकार को टैक्स मिलेगा। अभी मैं आपको उदाहरण दूं, मैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का मंत्री हूँ, ट्रांसपोर्ट का। अभी इंडस्ट्री का साइज 7.5 लाख करोड़ है, देश में सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाली ये इंडस्ट्री है, 50 लाख लोगों को रोजगार दिया इन एंसिलरी इंडस्ट्री ने और ऑटोमोबाइल ने। अब वर्ल्ड के पूरे ब्रांड अपने यहाँ है, मर्सिडीज है, सब है, BMW है, हुंडई है, टोयोटा है, सब है। अब मैं इलेक्ट्रिक गाड़ी ला रहा हूँ, यानी लिथियम आयन बैटरी की, इथेनॉल ला रहा हूँ, मिथेनॉल ला रहा हूँ, ग्रीन हाइड्रोजन ला रहा हूँ और फिर LNG का कन्वर्ट कर रहे ट्रक को। आने वाले समय में हमारा इंपोर्ट जो पेट्रोल डीजल का 8-10 लाख करोड़ है वो नहीं होना चाहिए, तो इंपोर्ट बच जाएगा। अब आने वाले 5 साल में ऐसा हुआ तो हमारा इंपोर्ट 25 लाख करोड़ का होगा तो देश की इकोनॉमी मार जाएगा। अब ग्रीन हाइड्रोजन तैयार करेंगे हम लोग, इथेनॉल तैयार करेंगे तो इंपोर्ट कम होगा। दूसरा, ये जो गाड़ियाँ बन रही इसका एक्सपोर्ट होगा। अब सब देश में हम लोग, हमने ये जो स्क्रैपिंग पॉलिसी खोली है, निकाली है कि 15 साल की पुरानी गाड़ियों को स्क्रैप करो तो कॉपर, एल्यूमिनियम, प्लास्टिक, रबर सस्ते में मिलेगा, फिर उसका रिसाइकलिंग होगा तो उसके वेंडर्स लेंगे तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगा। जो कार 5 लाख में बन रही वही कार 3.5 लाख रुपये में बनेगी। अगर प्रोडक्शन कॉस्ट होगी और क्वालिटी वही होगी तो पूरे वर्ल्ड में एक्सपोर्ट यहाँ से होगी, हमारे ट्रक, हमारी बसेस सब यहाँ से होगी तो हमारे उसके एंसिलरी को काम मिलेगा। तो अब ये इंडस्ट्री को मैं 15 लाख करोड़ की कर रहा हूँ 5 साल में, और 15 लाख करोड़ की हो गई तो 50 लाख लोगों को आज रोजगार है, अब 1 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा और सबसे ज़्यादा राज्य सरकार और भारत सरकार को रेवेन्यू देने वाली ये इंडस्ट्री है। आपने राज्य सरकार और केंद्र सरकार की भूमिका की इशारा किया, लेकिन ये माना जाता है गडकरी जी कि जब भी योजनाओं की बात हम करते हैं तो पर्यावरण संबंधी नियम और राज्य सरकारों की भूमिका, राज्यों में भूमि अधिग्रहण का सवाल, ये ऐसे सवाल आते हैं जिसमें योजनाएं देरी में फंस जाती हैं, कहीं ना कहीं उलझ जाती हैं, इससे आप सहमत हैं? देखिए, मैं जब मंत्री बना जी तो करीब 3,85,000 करोड़ के 406 प्रोजेक्ट बन पड़े थे। आपको याद होगा तब सब रोड के काम बंद थे,
हमने प्रॉब्लम सुलझा है, 40,000 करोड़ के प्रोजेक्ट टर्मिनेट कर दिए और हिंदुस्तान के बैंकों को 3,00,000 करोड़ के एनपीए से हमने बचाया। अब कई प्रॉब्लम नहीं है, अब हम 90% लैंड एक्विशन हुए बिना ऑर्डर ही नहीं देते, अपॉइंटमेंट डेट ही नहीं देते। मुझे आपको यही बताना है कि रोड में जाने से एक्सीडेंट होता है तो क्या रोड में जाना बंद करते कोई? हम रोड सेफ्टी की चिंता कर रहे हैं, एक्सीडेंट कम कर रहे हैं, तो अब इसमें अड़चने नहीं है। इसीलिए मैं जब आया तो 2 किलोमीटर पर डे रोड कंस्ट्रक्शन था, आज हमने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, हमारा 38 किलोमीटर पर डे हुआ। अब यह 19 गुना बड़ा, इसका कारण क्या है? प्रॉब्लम है, पर प्रॉब्लम हमने सुलझा है विथ पॉजिटिव एटीट्यूड राज्य सरकार के सहयोग से। अब मुझे बताइए कि अभी हमने वर्ल्ड रिकॉर्ड किया, हमारे लोगों ने किया, 2.5 किलोमीटर 4 लेन सीमेंट कॉन्क्रीट रोड 24 घंटे में बना, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उनका नाम हो गया। फिर हमने एक रोड, ये 26 किलोमीटर 1 लेन बिटुमेन रोड 22 घंटे में बनाया, सोलापुर बीजापुर सक्सेसफुल हो गया। तो मेरा कहना ये कि प्रॉब्लम्स होते हैं, पर मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं बहुत एक फिलॉसफी को याद रख के काम करता हूँ, तो मैं ये कहता हूँ कि जीवन में संघर्ष भी करना पड़ता है और जीवन में कभी हार भी होती है, कभी जीत भी होती है, समस्याएं खूब है। पंडित नेहरू जी का एक प्रसिद्ध वाक्य था कि जितने लोग हैं उतनी समस्या है। इंडिया इज नॉट ए नेशन, इट इज ए पॉपुलेशन, और जितने लोग हैं उतनी समस्या है। समस्या हमारे सामने भी है, पर आई लाइक पीपल हु कैन गेट द थिंग्स डन, और इसलिए मैं ये कहता हूँ सर, द मैन इज फिनिश, ये भाई रिचर्ड निक्सन के आत्मचरित्र का वाक्य मैंने अपने लिए बहुत अच्छा रखा है। उनने कहा था कि मैन इज नॉट फिनिश्ड व्हेन इज डिफीटेड, बट इज फिनिश्ड व्हेन ही क्विट्स। युद्ध में हारने के बाद कोई समाप्त नहीं होता, जब युद्ध भूमि छोड़कर भाग जाता है तब वो समाप्त होता है। युद्ध के जैसे समस्याएं अनेक है जी, समस्या को देखकर भागना नहीं चाहिए, समस्याओं पर मात करके जीत हासिल करके उसको रिजॉल्व करके आगे जाना चाहिए। आज ये सॉल्व किया, इसीलिए 2 किलोमीटर की जगह 38 किलोमीटर बने और मैं 40-50 किलोमीटर जाने की सपना देख रहा हूँ। एक के पीछे 2 साल में बड़े बड़े रोड बन रहे हैं, तो लोगों को अनुभव आ रहा कि फटाफट बन रहे दिख रहे। प्रॉब्लम्स आए, प्रॉब्लम्स कहाँ नहीं है, रोजमर्रा के जीवन में सब जगह प्रॉब्लम है, समस्या है, अड़चने है। हमें ऐसा नेतृत्व चाहिए, ऐसी लीडरशिप चाहिए कि जो समस्या को देखकर भागने वाली नहीं, तो समस्या को सामने स्वीकार करके उसके ऊपर मात करके आगे जाकर विजयी होने वाली लीडरशिप चाहिए। वही हमारी सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में दिए और हम लोग भी उसी के साथ काम कर रहे हैं, और इसी कारण फर्क भी पड़ रहा है, दिखता भी है लोगों को जी। लेकिन गडकरी, आप कई मंचों से कई बार मैंने सुना है आपको, आप कहते हैं विकास और राजनीति, कई बार विकास योजनाएं राजनीति में उलझ जाती हैं या राजनीति विकास को उलझा देती है। विकास की बात सब करते हैं, घोषणा पत्रों में बात होती है, लेकिन विकास कहीं ना कहीं राजनीति की या किसी और कारण से उसकी भेंट चढ़ जाता है। देखो, मैं अक्सर एक बात बताता हूँ कि पॉलिटिक्स इज ए इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म। हम जिसको राजनीति कहते हैं उसका अर्थ है लोकनीति, बृहत्तर राजनीति या धर्मनीति। हम राजकारण जिसको बोलते हैं उसका अर्थ है राष्ट्र कारण, समाज कारण और विकास कारण। हमारा देश सुखी बने, समृद्ध बने, संपन्न बने, शक्तिशाली बने, विश्व की आर्थिक शक्ति बने, यही हमारा सपना है। तो उसके लिए अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर लगेगा, 24 घंटे पावर लगेगी, पानी लगेगा, आईटी लाइंस लगेगी, पावर लाइन ट्रांसमिशन लाइन लगेगी, गैस लगेगा, सब लगेगा। और ये हमको करना है तो जनता की उससे जो लाइफ है वो अच्छी तरह से वो जी पाएंगे। देखो, इथिक्स, इकोनॉमी, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, हमें इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट को भी मेंटेन करना है। जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण, तीनों को कम करना मेरा एजेंडा है, मैं बहुत सीरियसली इस पर काम कर रहा हूँ। दूसरी ओर 5 लाख एक्सीडेंट होते, 1.5 लाख मौतें होती है, अभी तक मैं उसमें सफल नहीं हो पाया, बहुत कम सफलता मिली है। मेरा सपना है कि मैं आने वाले समय में इस देश में कम से कम 5 साल के अंदर जब 24 के पहले मरने वालों की संख्या 50% करूंगा। रोड सेफ्टी का एजेंडा है, प्रयास कर रहा हूँ, उतना यश नहीं आया। मेरा आपको कहना यही है कि राजकारण में मैंने लोगों की जान बचाई है, क्या मेरे खुशी का विषय नहीं हो सकता? हमारे कितने पत्रकार थे, वो जो हमने ये जो 16 लेन रोड बनाया दिल्ली मेरठ का, दिल्ली का, तो मुझे पार्लियामेंट में जाते जाते बोलते कि आपने हमारा जीवन बदल दिया।
पहले हम पार्लियामेंट हाउस से घर जाके 2 घंटे जाते थे, 25 मिनट में 20 मिनट में जा रहे हैं। आपने इतना बड़ा रोड बना दिया वो आईटीओ से, पता ही नहीं चलता कब घर चले गए। उनके जीवन में खुशी आई, क्या ये मेरी उपलब्धि नहीं है? अगर दिल्ली का प्रदूषण कम होगा, लोगों का स्वास्थ्य अच्छा रहा, ये मेरे आनंद का विषय नहीं हो सकता? अगर हमने कुछ नए काम किए उससे लोगों को रोजगार मिला, ये नहीं हो सकता? तो मैं कहता हूँ आजकल क्या हुआ है कि सत्ता कारण जो होता है, पावर पॉलिटिक्स, इसको हम राजनीति समझते हैं। मेरा कहना ऐसा है कि मैं हमारे प्रधानमंत्री का सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, मैं कोई भी पार्टी का MP मेरे पास आए, कोई भी पार्टी की सरकार हो, कोई भी व्यक्ति हो, जब सांसद कोई MLA कोई मंत्री मेरे पास आता है, मैंने कभी ये नहीं सोचा कि वो कौन से पार्टी का है। मैंने ये सोचा है कि मैं उसका काम कर सकता हूँ या नहीं कर सकता, अगर कुछ अड़चन है तो दूर करके मैं उसका काम कैसे कर सकता हूँ, क्योंकि लोकप्रतिनिधि है, कोई ना कोई समस्या है मेरे पास आया, और देश मेरा है, बंगाल भी मेरा है, उत्तर प्रदेश भी मेरा है, बिहार भी मेरा है, हर गांव मेरा है, हर शहर मेरा है, हर जिला मेरा है, तो मैं भेदभाव क्यों करूं? और वही बात जो है सबका साथ सबका विकास, अर्थ यही है कि मैंने सबकी मदद करनी चाहिए। आप किसी भी पार्टी के MP के पास जाओ, मैं जब पार्लियामेंट में के लिए बोलने के लिए खड़ा हूं तो हर आदमी बोलता है धन्यवाद देता है पहले, फिर बोलता है, क्योंकि मैं हर व्यक्ति के काम करने की कोशिश करता हूं, और एक आधा बार नहीं होता तो बोलता हूं ये नहीं हो सकता। और इसलिए राजनीति ये राष्ट्र कारण है, समाज कारण है और विकास कारण है। पॉलिटिक्स फॉर डेवलपमेंट, यही भारतीय जनता पार्टी का सिद्धांत है। और अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर नरेंद्र मोदी तक हम सब लोगों ने, हमने सपना देखा है कि हम देश को सुखी, समृद्ध, संपन्न, शक्तिशाली बनाएंगे जी। हमारे देश को भय, भूख, आतंक और भ्रष्टाचार से मुक्त करेंगे। इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट में जल प्रदूषण हो, वायु प्रदूषण हो, ध्वनि प्रदूषण, मुक्ति देकर इंटरनेशनल बेंचमार्क जो है उसके ऊपर ले जाएंगे, उतनी ग्रीनरी बनाएंगे, उतने रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, रेलवे बनाएंगे, मेट्रोज बनाएंगे, इंडस्ट्री बनाएंगे, एक्सपोर्ट दुगना करेंगे, इंपोर्ट को कम करेंगे, और रोजगार देके हर गरीब को एक अच्छा जीवन जीने का मौका देंगे, गरीबी दूर करेंगे, बेरोजगारी दूर करेंगे, भुखमरी दूर करेंगे, किसानों की समस्या को सुलझाएंगे, गांव, गरीब, मजदूर, किसान एक सस्टेनेबल लाइफ जी सके, ऐसा जीवन उनको मिलेगा। ये जो उनके विकास और उनके जीवन का समाधान है, क्या ये हमारी प्रेरणा नहीं हो सकती? दिस इज इंस्पायरेशन एंड मोटिवेशन फॉर अवर पॉलिटिकल फिलोसॉफी। और इसलिए मैं मानता हूँ कि राजनीति में राष्ट्र का विकास, सोशियो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन, राष्ट्र का पुनर्निर्माण, यही राजनीति का उद्देश्य है। हम दो चार अटल बिहारी जी कहते थे कि हम दो चार रहे न रहे पर ये राष्ट्र रहेगा, पार्टी आएगी चली जाएगी, नेता आएंगे चले जाएंगे, पर ये देश रहेगा, ये देश आगे ही रहना चाहिए, आगे ही जाना चाहिए, ये विचार उनने दिया है। हमारे पास जितनी ताकत होगी हम कोशिश करेंगे, हम ये नहीं कह रहे कि पूरा हम कर पाएंगे या तुम्हारी पूरी अपेक्षा पूरी कर पाएंगे, पर हम जरूर कर सकते हैं। हमारे में जितनी ताकत है उतनी ताकत के साथ, ट्रांसपेरेंसी के साथ, करप्शन फ्री, पूरा विकास का मॉडल जो है, पूरा सपना पूरा करके ताकत और शक्ति के साथ उस सपने को पूरा करेंगे, इसी को मैं कहता हूँ राष्ट्र कारण, और यही हमारा फीलिंग है और यही हमारा विचार है जी। बस आखिरी बात आपसे और जानना चाहता हूँ, क्योंकि गति शक्ति योजना पे हम बात कर रहे हैं और रोड एंड ट्रांसपोर्ट एक ऐसा विषय है जिसपे बहुत कुछ देश का विकास टिका है, आप कितनी उम्मीद कर रहे हैं, जो चुनौतियां सामने आपके रही हैं, आपका भविष्य का विजन क्या है इसको लेकर? मैं ये मानता हूँ कि समस्या है, इट इज ए पार्ट एंड पार्सल ऑफ द लाइफ, समस्याओं की कमी नहीं है, पर मैं मानता हूँ कि समस्याओं को सुलझाना, इसके लिए पॉजिटिव एटीट्यूड चाहिए, फास्ट ट्रैक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस चाहिए, हर चीज का फॉलोअप चाहिए और करप्शन फ्री सिस्टम चाहिए, और राष्ट्र के साथ, समाज के साथ और व्यक्ति के साथ हमारी कटिबद्धता चाहिए कि मेरे देश के लोगों को अच्छा रोड कैसे मिले। आज मुझे बताओ, लद्दाख और लेह के लोग 6 महीने कट जाते हैं, उनको ना फल फूल सब्जी कुछ मिलती है ना कुछ, सब रास्ते बंद हो जाते हैं। अगर ये झोजिला टनल बन जाएगी तो उनका ऑल सीजन, साल भर वो जा सकेंगे, तब कोई गैस स्टोरेज करेंगे जरूरत नहीं, कोई सब्जियाँ नहीं, कोई किरा, कोई शुगर और कोई बात नहीं, क्या उनको नया जीवन मिलेगा? वो देना हमारा काम नहीं है। आज स्वाधीनता के बाद 75 साल होने के बाद आज लोगों को गांव के लिए रोड नहीं है, पीने के लिए शुद्ध पानी नहीं है, बच्चों के लिए अच्छी स्कूल नहीं है, अगर अच्छे अस्पताल नहीं है, तो क्या हम इन बातों को पूरा नहीं करना चाहिए?
क्या इन लोगों को ये सब सुविधाएं लेने का अधिकार नहीं है? और इसलिए उनके अधिकारों को, उनकी आवश्यकता को, उनके जीवन को सस्टेनेबल बनाने के लिए जो जो करना है वो हम पूरे ताकत और शक्ति के साथ निस्पृह, निस्वार्थ और समर्पित भाव से करेंगे। यही हमारा संस्कार है और यही हमने करते रहना चाहिए। पता नहीं, हम लोग अभी, मैं संघ का स्वयंसेवक को हमें एक गीत सिखाया था, हम दो चार रहे न रहे पर तेरा वैभव अमर रहे माँ जी। और एक मैंने अपने ऑफिस में नागपुर में लिख के रखा है, मनसा सततम स्मरणीयम, वचसा सततम वदनीयम, लोकहितम मम करणीयम। मैं अपना घर, अपना परिवार, अपने बच्चे संभाल कर फिर जितना कुछ समाज का, गरीबों का, जो शोषित है, पीड़ित है, दलित है, जिनके पास रहने के लिए मकान नहीं है, खाने के लिए रोटी नहीं है और जिनके शरीर पर कपड़ा नहीं है, उस दरिद्र नारायण को परमेश्वर के रूप में मानकर मैं उनके लिए रात दिन काम करूंगा। और जिस दिन उनको रोटी, कपड़ा और मकान मिलेगा, उसी दिन दीनदयाल उपाध्याय जी कहते थे कि हमारा काम पूरा हुआ। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण करके मेरी बात को समाप्त करूंगा। मैं मंत्री बना उसके पहले बचपन से साइकिल रिक्शा थी, आदमी आदमी को ढोने का काम करता था। और कुछ राज्यों में तो वो जो व्यक्ति था वो ऐसा कंधे पे रिक्शा रख के लोगों को ओढ़ के ले जाता था, ये बहुत दुख और दर्द होता था। और जब मैं आया तो मैंने एक नया एक्ट बनाया, मैकेनाइज ड्रिवन ई रिक्शा का। बहुत लोगों ने चैलेंज किया, सुप्रीम कोर्ट तक केसेस गए, मैं लड़ता रहा। और आज मुझे खुशी है कि राम मनोहर लोहिया जी का और दीनदयाल उपाध्याय जी का सपना पूरा हुआ। 1 करोड़ लोग आदमी आदमी को ढोने का काम कर रहे थे, आज करीब 75 लाख लोगों को मुक्ति मिली है, वो मैकेनाइज ड्रिवन ई रिक्शा चलाते हैं। और उन 25 लाख लोगों को भी आने वाले 2-3 साल में पूरी तरह ये साइकिल रिक्शा समाप्त हो जाएगा, ये बोरे पर उठाने वाली सिस्टम रद्द खत्म हो जाएगी, या माल ढोने का जो ठेला है वो खत्म हो जाएगा, और अब पानी पूरी और भेल समोसा खाने के ट्रक भी ई रिक्शा पर मोड़ लो के आएंगे और गरीब का शोषण नहीं होगा। यही तो हमारा समाधान है, यही तो हमारी उपलब्धि है और यही हमारा विचार है कि उन लोगों के लिए हमको काम करना है जो आज बहुत कठिन स्थिति में जी रहे हैं, उनके जीवन का आत्मविश्वास, उनके जीवन की सस्टेनेबिलिटी और उनको एक समाधानी जीवन देना, यही हमारा पॉलिटिक्स का मिशन है, राजनीति का, और यही राष्ट्र कारण है और यही हमने करना चाहिए। जितनी ताकत होगी उतना करेंगे। मैं ये दावा नहीं करता कि पूरा 100% कर पाओगे, पर हमारी ताकत में कोई कमी न रहे, पूरी शक्ति के साथ वो करेंगे, इसी विचार के साथ काम कर रहे हैं, निश्चित रूप से इससे हमको यश मिलेगा। जी बिल्कुल गडकरी, जो आपने बात की, उम्मीद करते हैं कि उससे रोड एंड ट्रांसपोर्ट को एक नई गति मिलेगी, देश का जो बुनियादी ढांचा है उसको भी एक गति मिलेगी गति शक्ति परियोजना से। आपने हमसे बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार।